तो हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑटो शेल्टर। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जो है किसी कार के बारे में नहीं, हम थार के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों गाड़ी जो है उसकी बहुत ज़्यादा हाइप चल रही है, रील्स पे, यूट्यूब पे, सब जगह हमको जो है थार ही नज़र आती है, ऑफ रोडिंग करते हुए, बड़े बड़े स्टंट्स करते हुए। गाड़ी जो है एक माफिया कार की तरह भी देखी जाती है, गाड़ी बहुत ही बड़ी, ऐसी मॉडिफिकेशन भी की जाती है लोगों की तरफ से। और दोस्तों ये गाड़ी जो है जल्दी फाइव डोर में भी आने वाली है। और दोस्तों इसी फाइव डोर थार की जो एक्सपेक्टेड फीचर्स या फिर डिटेल्स है उसके बारे में हम आज के वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों महिंद्रा थार जो है बहुत ही डिसेंट गाड़ी है, लेकिन बहुत से लोग इसको इसी वजह से परचेस नहीं करते कि इसकी जो सेकंड रो वगैरह है वो थोड़ी सी मतलब फैमिली फ्रेंडली नहीं है। तो दोस्तों अभी ये जो कन्फ्यूजन है महिंद्रा ने ख़त्म कर दिया है, और गाड़ी जो है जल्दी फाइव डोर में भी आने वाली है। दोस्तों गाड़ी जो है फाइनल टेस्टिंग के दौरान बहुत बार देखी जा चुकी है हाईवेज पे, और दोस्तों ये गाड़ी जो है अभी जनवरी 15 या फिर 30 तक जो है शोकेस की जा सकती है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि गाड़ी को जो है दरवाजे बढ़ाकर लॉन्च कर दिया है, गाड़ी में हमको प्रॉपर अपग्रेडेशंस देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों बात करें गाड़ी के पावर ट्रेन्स के बारे में, तो गाड़ी में हमको जो है स्कॉर्पियो एन वाले ही इंजन ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें एमस्टेल एन पेट्रोल इंजन और एमहॉक डीजल इंजन, ऐसे जो इंजन ऑप्शन है वो देखने को मिलने वाले हैं। दोनों पावर ट्रेन्स में हमको जो फाइव डोर थार है वो अवेलेबल होने वाली है, और ये इंजन जो है थोड़े से बेटर ट्यून किए जाने वाले हैं हमको एक प्रॉपर मतलब ऑफ रोडिंग वगैरह देने के लिए, क्योंकि गाड़ी का जो वेट है वो थोड़ा सा बढ़ने वाला है। दोस्तों इसका जो डीजल इंजन है वो हमको 172 bhp तक की पावर निकाल के देगा, और 400 न्यूटन मीटर तक का जो टॉर्क है हमको डीजल इंजन निकाल के देगा। वहीं हम पेट्रोल की बात करें तो 200 bhp तक के हमको इसमें पावर और 370 न्यूटन मीटर तक का जो टॉर्क है वो हमको पेट्रोल इंजन में निकाल के देने वाला है। और दोस्तों इसमें हमको ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों जो ट्रांसमिशन ऑप्शन से वो अवेलेबल होने वाले हैं। दोस्तों एक्सपेक्टेड वेरिएंट डिटेल्स के बारे में बात करें तो गाड़ी में हमको जो है 8 वेरिएंट्स देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें हमको पेट्रोल और डीजल के जो वेरिएंट्स है वो देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों पेट्रोल का जो सबसे बेस्ट वाला वेरिएंट है, मतलब नॉर्मल सा वेरिएंट नॉर्मल फीचर्स के साथ में, वो हमको 15-16 lakh रुपीज़ तक जो है वो देखने को मिल सकता है। और दोस्तों ये जो फाइव डोर थार होने वाली है इसमें हमको 4x2 और 4x4 ऐसे जो वेरिएंट्स है वो डिवाइड किए हुए मिलने वाले हैं, जैसे कि हमको अभी स्कॉर्पियो एन में भी देखने को मिलता है। स्कॉर्पियो में जैसी सीरीज़ दी गई है वैसे हमको फाइव डोर थार में भी देखने को मिलने वाली है। दोस्तों फाइव डोर जो थार है उसकी प्राइस थोड़ी हाई होने वाली है नॉर्मल थार से, ये जो है बिल्कुल मतलब नॉर्मल सी बात है, क्योंकि गाड़ी में अगर हमको थोड़ा सा सीटिंग कैपेसिटी वगैरह ज़्यादा मिलेगी तो प्राइस जो है गाड़ी की ज़्यादा होने वाली है। स्टार्टिंग प्राइस हमको 15-16 lakh रुपीज़ देखने को मिल सकती है बेस्ट मॉडल की, और ऑन रोड ये मॉडल जो है 19 lakh रुपीज़ तक हमको जा सकता है 4x2 के साथ में। और दोस्तों टॉप वेरिएंट की बात करें तो वो हमको 28 lakh रुपीज़ तक जो है वो देखने को मिल सकता है। अभी वेरिएंट्स वाइज प्राइजिंग जो है महिंद्रा कैसी डिवाइड करती है देखने वाली बात होने वाली है। दोस्तों डीजल का जो बेस्ट वेरिएंट है उसमें हमको थोड़ी सी लो पावर मिलने वाली है, थोड़ा सा ट्यूनिंग का जो डिफरेंस है वो हमको देखने को मिलने वाला है, जैसे कि हमको स्कॉर्पियो एन में देखने को मिला है। तो जो बेस्ट वेरिएंट है उसमें हमको थोड़ी लो पावर मिलेगी, और जो हाई वेरिएंट्स है डीजल या फिर पेट्रोल के उसमें हमको थोड़ी ज़्यादा पावर देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों फाइव डोर थार अभी रियल में कैसी देखेगी इसका अगर हम एक एग्जांपल ले तो अभी हमारे पास जीप रैंगलर जो फाइव डोर में अवेलेबल है, गाड़ी जो है जैसी दिखती है वैसे हमको थोड़ी बहुत थार देखने को मिलने वाली है, पूरी की पूरी वैसी नहीं देखने को मिलने वाली है। अगर वैसी महिंद्रा करती है तो भाई महिंद्रा को बहुत भारी पड़ने वाला है। वही अगर हम एक्सटीरियर डिटेल्स की बात करें तो गाड़ी में हमको 5-spoke alloy व्हील्स मिलने वाले हैं, जैसे कि हमको नॉर्मल थार में मिलते हैं, उसमें थोड़ा सा मे बी ड्यूल टोन वगैरह ऐड किया जा सकता है। तो भाई एक्सटीरियर में भी बहुत से चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं ताकि ये गाड़ी जो है लोगों को अट्रैक्ट कर सके। वही दोस्तों अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो फाइव डोर होने वाली है, तो डायमेंशंस ऑलमोस्ट हमको ज़्यादा ही देखने को मिलने वाले हैं। अभी वाली थार में हमको जो है 3985 mm की लेंथ देखने को मिलती है, लेकिन ये जो फाइव डोर थार है उसमें हमको 4500 mm से भी ज़्यादा की लेंथ जो है वो देखने को मिल सकती है। विड्थ हमको 1890 mm तक की देखने को मिल सकती है, और हाइट जो है हमको सिमिलर ही मिलने वाली है अभी वाली थार से, 1844 mm, और व्हील बेस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होने वाला है 2680 mm का, और ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो भी सेम देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों हाइट छोड़ के गाड़ी जो है बाकी सारे डायमेंशंस में बड़ी होने वाली है अभी वाली थार से, तो स्पेसिंग वगैरह बहुत ज़्यादा डिसेंट इसमें हमको देखने को मिलने वाली है। दोस्तों वही बात करें गाड़ी के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के वगैरह, तो गाड़ी में हमको जो 57 liters की बड़ी सी फ्यूल टैंक देखने को मिलने वाली है, जो कि हमको बेहतरीन एवरेज निकालने में भी थोड़ा सा हमको हेल्प करने वाली है। पेट्रोल वेरिएंट जो है हमको 10-12 kmpl तक का एवरेज दे सकते हैं, और डीजल वेरिएंट जो है हमको 15-18 kmpl तक का जो एवरेज है वो निकाल कर दे सकते हैं। अभी ये जो एयर क्लेम एवरेज है ये कैसे होने वाली है ये देखने वाली बात होगी।
और दोस्तों ये जो थार है, फाइव डोर थार, इसमें हमको ऑटोमेटिक वेरियंट्स ओनली 4x4 के साथ मिलने वाले हैं। इसके साथ हमको कोई भी 4x2 का ऑप्शन जो है वो देखने को नहीं मिलने वाला है। साथ ही में हमको एक बेटर अपडेट की बात करें तो गाड़ी में हमको सनरूफ मिलने वाली है, जो कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। मतलब एकदम प्रॉपर वाली सनरूफ नहीं है, लेकिन ऐसे नॉर्मल सी सनरूफ जो हमको इस गाड़ी में देखने को मिलने वाली है। तो थोड़ा सा अपग्रेड जो है महिंद्रा ने थार में ऑफकोर्स किया है, ताकि ये गाड़ी जो है नॉर्मल थार से थोड़ी अलग हमको दिख सके। वही हम प्राइसिंग की बात करें तो 16-28 लाख रुपीज़ तक हमको जो है जो थार है वो देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों सारी डिटेल्स जो है अभी हमने देख ली है गाड़ी की, कि फाइव डोर थार जो कैसी होने वाली है और हम इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।